वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। आवास विकास परिषद की टीम शुक्रवार को जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंची तो महिलाओं ने विरोध कर दिया। बताया गया कि टीम जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम कर रही थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और कार्य रुकवा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। किसानों ने आवास विकास मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आवास विकास परिषद की टीम ने उनके देवता तोड़ दिए, जिससे गुस्साए किसानों ने हंगामा कर दिया। फिलहाल ग्रामीण योजना में ही धरना देकर बैठ गए हैं। पुलिस फोर्स के साथ मिलकर आवास विकास परिषद ने बृहस्पतिवार को जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में किसानों से 100 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर खेतों की जुताई करा दी। हंगामा और विरोध करने पर 12 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। किसानों ने पुलिस पर लाठी फटकारने का आरोप लगाया। बताया गया कि पूरा पैसा जमा करने के बाद भी इन्हें 2 साल से मकान नहीं मिल रहे थे। राम मेयर किसान नेता ने इस बारे में यह जानकारी दी। धरने को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और धरना किसान इसलिए देने बैठे कि एग्रीमेंट किसानों के साथ हो जाता है कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे, ये प्लॉट देंगे इतने, जिस इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान धरने पे बैठ गए। अब कल क्योंकि धरना 1.5 साल से चल रहा है, ऐसा तो नहीं भीड़ रहे हमेशा, कभी ज़्यादा हो जाए कभी नहीं भी रहती। कल इन्होंने आकर उन्होंने जबरन उठा दिया और यहाँ खड़ी फसल जोत दे, उठा के लेके उठा। किसानों की मांग केवल इतनी है कि जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, आप उन शर्तों को पूरी कर दो। अब फिर काजीपुर में MDA ने फिर समझौता किया है 2015 में कि हम भाई पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम आपको प्लॉट देंगे मुआवजे के बदले में। वे भी नहीं दे रहे, वहाँ भी होगा अभी तो झगड़ा। इनके साथ भी जो आवास विकास में लैंड गई है, इनके साथ भी एग्रीमेंट किया कि हम इतना पैसा देंगे, ये आपको प्लॉट देंगे, ठीक है सर, इसकी कॉपी दे देंगे हम आपको, ठीक है मैं आपको। लेकिन जब इन्होंने पूरा नहीं किया, ये तगादा करते रहे और थर थक के अपनी ज़मीन पे बैठ गए। 1.5 साल हो गया, लंबा पीरियड होता, कब नहीं होता। पिछले दिनों इनकी जो है झोंपड़ी ओपड़ी डाली थी उसमें आग लगवा दी गई। फिर रफा दफा हुआ, किसानों ने कहीं गुस्सा भी आया, फिर उन्होंने फिर बना ली। अब ये शांति के साथ बैठे थे, कल आए जबरन इन्हें गिरफ्तार करके ले गए और मकान भी गिरा दिए, देवता गिरा दिए। बस हमारा मांग तो ये है कि ये जो इनका एग्रीमेंट है इसे पूरी करा दो और पुलिस की ज़रूरत नहीं, कब्जा तो हम खड़े होकर करा देंगे। मांग पूरी नहीं हो पाई आगे क्या? अभी तो जो इन्होंने कल कब्जा किसान का तोड़ा, आज हम इनका तोड़ देंगे, आज ही तोड़ देंगे। लाठी चले, गोली चले, उसे झेल लेंगे। बिना पैसा दिए कब्जा करोगे? किसान इतना कमज़ोर समझ लिया, आज 10 हैं 10,000 भी होंगे। हाँ जी, वहाँ नहीं जा सकते। मेरी शताब्दी नगर योजना, वही मेरा निवास है, वही मेरी लैंड, वहाँ मुआवजा ले लिया सारा, जो तय हुआ वो ले लिया और 1 इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया। इनकी औकात नहीं है उधर को झांक जा। और देखिए, किसान यदि एकला भी है तो भी मजबूत है। जब हम 2005 में आंदोलन कर रहे तो CO साहब ने कहा, ग्रामीण जी आप पे ताकत कम है। मैंने कहा हाँ ताकत कम है, पर हमें आपकी ताकत का पता है, आप में तो इतनी भी नहीं है। एक मुझे जरा छेड़ कर तो देखो, फिर देखियो किसानों की संख्या। कल 10-5 किसान होंगे, आज इतने, आज और छेड़ दियो फिर देखियो हंगामा। कल ये छेड़े तो सही किसी को, किसान कमज़ोर नहीं है। हम जो इन्होंने कल कब्जा लिया, इसे इनका कब्जा खाली करा देंगे आज, ठीक। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी इनको बढ़न नहीं देंगे। हमारे हाथ में केवल इतना है, अपनी ज़मीन पे बैठे हैं। वो जब बात होंगी, देंगे तो कब्जा लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं बढ़न दे। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ
डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।